वेलकम साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल शटल पॉइंट जीरो में। साथियों, ये हमारी गणित की क्लासेज है और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑन नंबर्स। ठीक है, तो अगर देखें इसमें हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि पहले हम छोटी छोटी जो बातें होती हैं जिसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, भूल जाते हैं, वो हम पहले याद कर लेते हैं। एक होता है सम संख्या, यानी कि सम है ना, इवन नंबर्स। ये क्या होता है, ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः भाग हो जाए उसको हम इवन कहते हैं, यानी सम संख्या कहते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा। और उसके बाद ऑड नंबर्स, ऑड क्या होता है, यानी कि विषम संख्या। ऑड क्या होता है, विषम संख्या, वो संख्या जो दो से पूर्णतः विभक्त ना हो उसे हम ऑड संख्या कहते हैं, ऑड नंबर्स होता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है प्राइम नंबर्स की, यानी कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तीसरा हमारा, ये हमारा दूसरा है, ये हमारा तीसरा है, अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, यानी कि प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर की बात करें तो ऐसी संख्या जो अपने आप से और एक से पूर्णतः विभाजित होता हो और अदर नंबर से नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि प्राइम नंबर कहते हैं। क्लियर, इसको देखिए, अगर कोई संख्या अभाज्य है कि नहीं, इसको निकालने का एक तरीका होता है। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए, वो तरीका क्या होता है, देखिए, ये होता है, मान लीजिए कोई हमारा संख्या पी, इसको हमें फाइंड करना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं, यानी अभाज्य संख्या है कि नहीं। इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम ऐसे निकालेंगे, देखिए क्या करेंगे हम, कोई संख्या लिया पी, इसको हम देखेंगे कि एन स्क्वायर यानी कि कोई एन स्क्वायर मतलब किसी का स्क्वायर लेंगे और ये देखेंगे कि ये एन स्क्वायर के जितने भी टर्म इससे नीचे वाले अभाज्य संख्या वो इसको पूरी तरह डिवाइड करता है कि नहीं करता है, समझ में आया नहीं है, एग्जांपल लेते हैं, इसका मतलब समझ रहे ना, एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन या इक्वल टू पी, इसका मतलब ये होता है कि जो ये मुंह खुला हुआ है ना, जिसके तरफ खुलेगा वो बड़ा होगा और नीचे वाला यानी कि ये बराबर का साइन, यानी कि बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, किससे, पी से, ये एन स्क्वायर बड़ा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने कोई एक संख्या लिया 173 लिया, 173 लिया, ठीक है, ये हमने संख्या लिया और ये देखेंगे कि एक अभाज्य संख्या है कि नहीं। क्लियर, तो हम क्या करते हैं, ये हम तरीका अपनाएंगे क्या, कि पहले कोई एक संख्या लेंगे, उसका स्क्वायर निकालेंगे, वो स्क्वायर इसके बराबर भी हो सकता है या फिर इसे बड़ा भी हो सकता है, तो हम देखेंगे कि ये किसके स्क्वायर के बराबर है या इससे किसके स्क्वायर के पास में है। तो हम 13 का स्क्वायर देखा, 13 का स्क्वायर देखिए निकाले कितना होता है, 169 यानी कि 169 होता है, 169 इसे छोटा है लेकिन यहाँ तो भाई बड़ा है और इक्वल है, या तो इक्वल लाओ या तो बड़ा लाओ, यहाँ पर ये छोटा है तो हम इसको निकाल नहीं सकते, इसको छोड़ देते, हम 14 का निकालेंगे, 14 का कितना होता है, 14 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 196 होता है, 196 होता है। अब देखिए ये इससे बड़ा भी है, बड़ा है ना, इक्वल तो ये बड़ा है ना, तो इसको हम लेंगे, 14 को हमने एन ले लिया, अब एन हमारा क्या आ गया, 14 आ गया, अब 14 आ गया और हमें कौन सा संख्या निकालना, 173 का निकालना है, ये निकालना कि ये हमारा अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो हम 14 के जितने भी छोटे, 14 से जो नीचे जितने भी अभाज्य संख्या हैं उसको, उससे इसको डिवाइड करेंगे, कौन कौन से हैं 14 से नीचे, देखिए 2 हमारा है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13 है, ये 6 हो गए, 6 अभाज्य संख्या है, 6 अभाज्य संख्या को क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, मतलब इसको ना इन 6 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे ये डिवाइड होता है कि नहीं होता। आप देखिए आसानी से कर सकते हैं, 2 से करेंगे 2 से तो होगा ही नहीं है, होगा ही नहीं, 3 से बात करें तो 3 से देखिए 3 से भी नहीं हो रहा, 5 से तो होगा नहीं, 5 में तो आपको पता ही होगा क्या रूल लगता है, 7 से देखेंगे तो 7 × 14 बचे 3 और 33, 7 से नहीं हो रहा, 11 से भी नहीं हो रहा, 13 से 13 × 13 और बच गया 4 और 43, 13 से हो नहीं रहा, यानी कि ये अपना क्या है, अभाज्य संख्या है, ये अपना क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी कि ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या को पता लगा सकते हैं कि वो अभाज्य संख्या है या नहीं है, यानी प्राइम संख्या है कि नहीं है। ओके, कोई दूसरा एग्जांपल ले लीजिए आप, मान लीजिए हमने लिया 139 लिया, ठीक है,
हम ये देखेंगे कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है। अब देखिए इसके पास में या इससे बड़ा, इसके बराबर या इससे बड़ा किस संख्या का स्क्वायर आता है? 12 का आता है, आपको पता होगा ना, 11 का तो छोटा रह जाएगा, 12 को 12 का आएगा ना 144, तो एक 12 ले लिया हमने, एन हमारा क्या गया 12। अब इसके जो नीचे होते हैं अभाज्य संख्या उसको लेंगे, कौन कौन से होते हैं देखिए, हमारा 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 5 आ गए, डिवाइड कीजिए इसमें, डिवाइड कीजिए, 2 से तो होगा नहीं, 3 से 1 बचेगा, 19 नहीं होगा, 5 से 5 होगा नहीं, 7 से 7 एकम 7 बचेगा कितना 6, 7 से भी नहीं होगा, 11 से 11 कम 11 और 2 ये भी 11, यानी कि 139 क्या है हमारा अभाज्य संख्या है। ऐसे आप निकाल सकते हैं ये क्या है अभाज्य संख्या है, ठीक है, प्राइम नंबर से क्लियर यहाँ तक। अब देखिए यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया तो आगे देखिए, अब हम क्या करते हैं डिजिबिलिटी चेक करेंगे कि विभक्त कौन सा संख्या, मतलब कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई संख्या 2 से विभक्त होता है, डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, या 5 से 7 से जितने भी संख्या ना वो हम सब निकालने वाले हैं। तो कैसे चेक करेंगे कि कोई संख्या पहले दो से शुरू करेंगे कि हम कैसे चेक करेंगे कोई संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं है। इसको चेक करने का एक नियम होता है, रूल होता है, क्या 2 हमें जानते हैं किसी पहाड़े में, मतलब कि किसी संख्या के अंक, किसी संख्या के जो लास्ट अंक होते हैं, यानी कि इकाई का अंक अगर क्या जाए 0 आ जाए, 0 2 4 6 8 ये आ जाए तो वो क्या होगा, वो हमारा 2 से डिविजिबल होगा, यानी कि विभक्त होगा, यानी विभाजित हो सकता है 2 से। कैसे देखिए, मान लीजिए 284 है, 260 है, या 264 है, कुछ भी लीजिए, तो ये क्या है 2 से क्या है डिविजिबल है, 2 से विभक्त हो सकता है ना, क्यों 4 आया है, 0 आया है 4, यानी कि कुछ भी अगर ये मतलब कि 5ों में से कुछ आ जाए तो वो क्या होता है कि 2 से वो डिवाइड आसानी से हो जाएगा, क्लियर। अब इसके बाद हम 3 से देखते हैं, अब 3 से होने वाली जो संख्या उसमें क्या होता है, उसमें क्या रूल होता है, क्या नियम होता है। देखिए अगर हम 3 से कोई संख्या अगर डिवाइड होगा ना तो उसको कैसे पहचानेंगे, अगर कोई भी संख्या है 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, 5 कितने भी संख्या का, कितने भी डिजिट का संख्या हो, अगर उन सभी का योग 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगा। कैसे देखिए, मान लीजिए हम 6 7 8 9 2 3 कुछ भी ले लेते हैं, ये है, आपको ये बताना है कि ये 3 से डिवाइड है कि नहीं है। तो कैसे पहचानेंगे, देखिए कैसे पहचानेंगे, हमने क्या कहा कि अगर किसी कोई संख्या 3 से डिवाइड अगर होगा तो उसके जो संख्या के योग है ना, संख्या के सभी डिजिट के योग वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो योग कीजिए ना सभी का, 6 7 13 13 8 13 8 21 21 9 30 30 31 31 2 33, यानी कि इनका योग जो आया वो 33 आया, ठीक है 33 आया। अब 3 से इसको डिवाइड देखिए, 3 से हमने डिवाइड किया यानी कि ये 11, यानी कि डिवाइड हो रहा है, यानी कि इसका मतलब कि ये 3 से डिविजिबल होगा, 3 से विभक्त हो सकता है, हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे तरीके लगा के हम क्या कर सकते हैं, 3 के जो डिविजिबल संख्या है उसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब 4 से देखिए, अब 4 में क्या होता है, 4 से 4 वाला डिजिट देखिए, ये हमारा तीसरा, 4 में क्या होता है, अब ये कैसे पहचानेंगे ये 4 से कोई संख्या डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसका रूल क्या होता है, इसका नियम क्या होता है, उस संख्या के आखिरी 2 अंक, आखिरी मतलब कि उसका इकाई का अंक और दहाई का अंक, आखिरी 2 अंक 4 से विभक्त होना चाहिए। कैसे, मान लीजिए इसी संख्या को हमने ले लिया, ये क्या है 6 7 8 9 1 2, ये हमारा संख्या है। अब इसको हम देखेंगे कि ये 4 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं, तो हमने क्या क्या कहा आपको, इसके इकाई का अंक, इकाई का अंक और इसके दहाई का अंक, ये क्या होना चाहिए, इनका जो ये दोनों अंक 4 से क्या होना चाहिए डिवाइड होना चाहिए, यानी कि आपको आपको क्या करना, 12 को डिवाइड करना 4 से, तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये तो हो रहा है ये 3, यानी कि ये क्या है, ये संख्या भी क्या हो सकता है, ये 4 से डिवाइड हो सकता है, हो जाएगा, ठीक है, हो सकता नहीं होगा, होगा, ठीक है। 4 से हो गया हमारा, अब 5 से देखिए, 5 में क्या रोल होता है, 5 है ना,
पांच, पांच में तो सभी को पता होगा, बच्चा बच्चा को पता होगा कि इसका क्या रूल और नियम होता है। पांच में क्या हो, आखिरी जो डिजिट है इकाई का अंक है वो तो या तो जीरो होना चाहिए या फिर फाइव होना चाहिए, या इकाई का अंक क्या होना चाहिए, इकाई का अंक जीरो होना चाहिए या फिर फाइव होना चाहिए, पांच होना चाहिए, ये रूल होता है। अगर आप लोगों को लिखना होना तो लिख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं इसको साफ करें, डिवाइड मतलब डिजिट डिलीट करें। अब देखिए पांच तक हमने कर लिया, अब छठवां के देखते हैं, छह है ना, छह को देखते हैं कि कोई संख्या छह से विभाजित कब होगा, यानी डिवाइड डिविजिबल कब होगा। तो इसमें क्या होता है कि हमने दो से देखा, दो वाला तो हमें समझ में आ गया, ठीक है, तीन वाला भी समझ में आ गया। अगर वो दो और तीन से डिवाइड होगा तो क्या वो छह से नहीं होगा, बिल्कुल ओबियस सी बात है, सही होगा, मतलब होगा, यानी कि कोई संख्या अगर दो से डिविजिबल है, क्या है डिविजिबल है, और तीन से भी क्या है डिविजिबल है, ठीक है, यानी विभक्त है, विभक्त है, विभक्त, ठीक है, तो वो छह से भी होगा, क्लियर। अगर कोई संख्या दो से विभक्त है और तीन से विभक्त है तो वो क्या हुआ, छह से भी विभक्त होगा, इसको हम ऐसे पहचान सकते हैं, क्लियर, छह का भी हो गया। अब सात का देखिए, सात का बड़ा ही कंफ्यूजन वाला है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। अगर सात वाला देखें तो सात को कैसे कोई संख्या कैसे देखेंगे कि सात से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो इसको देखने का एक तरीका है कि मान लीजिए कोई संख्या हमने ले लिया 8 3 2 1 2, ठीक है, ये हमने ले लिया संख्या, इसमें इसको हम देखेंगे कि सात से डिवाइड होता है कि नहीं होता, कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो इसके इकाई के अंक होते हैं ना, इकाई वाला अंक, ये वाला इकाई का अंक होता है ना, इधर वाला इकाई होता है, और इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार ऐसे बढ़ते जाता है, ठीक है। तो जो इकाई वाला अंक है ना उसको क्या करें, उठाएंगे, उठा लिया हमने दो है, और इसको पांच से गुना कर देंगे, पांच से गुना कर दिया यानी दस आया, यही रूल है, इकाई वाला अंक को उठाइए और उसको पांच से गुणा कर दीजिए, पांच से जो संख्या यहाँ पे आएगा उसको क्या करना, ये जो बच गया ना संख्या चार, ये पांच थे, एक को हमने ले गए, हम एक को क्या ले करेंगे, हमने एक को क्या किया, एक को अपने साथ ले गए और उसको पांच से डिवाइड गुणा कर दिया, और ये हमारे पास आ गया, जो बचेगा, जो हमारे पास बचेगा, ये चार बच गया ना, इसमें क्या करेंगे, इधर से हम दस को जोड़ देंगे, जो यहाँ पड़ेगा वो हम क्या करना है, हमको यहाँ पे जोड़ना है, तो जोड़िए एक तीन, अब तीन और आठ, क्या अब बता सकते हैं कि ये सात से डिवाइड है कि नहीं है, यानी कि सात से डिविजिबल है कि नहीं है, क्या आप बता सकते हैं। अगर अब भी आप नहीं बता सकते तो एक बार और कीजिए, इकाई वाला अंक को उठाइए, उठाया और पांच गुना कीजिए यानी पांच, और फिर क्या जो बच गया ना अंक इसमें जोड़ दीजिए, पांच हमने जोड़ दिया तो ये आठ आ गए, ये तीन और ये आठ, अब क्या कर सकते हैं डिवाइड, अब पता लगा सकते, अभी नहीं लगा सकते तो अब एक और बार कीजिए, आठ गुना में पांच यानी कि चालीस, और इसमें चालीस जोड़ दीजिए तीन, और ये आ गया आठ पांच बारह यानी कि 123, 123 क्या सात से डिवाइड है, डिविजिबल है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना, तो ये क्या है, सात से डिविजिबल नहीं है, ऐसे हम पता लगा सकते। इकाई का उठाइए, इकाई का अंक उठाइए और पांच गुना कीजिए, और जो बचते हैं ना उसको उसमें जोड़ दीजिए, अगर वहां से आप पता लगा सकते तो ठीक है, नहीं तो एक वायु कीजिए, फिर पांच से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर उसको क्या कीजिए, इसमें जोड़ दीजिए और निकाल लीजिए, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं हम सात से कि कोई संख्या सात से डिविजिबल है या कि नहीं है, यानी विभक्त है कि नहीं है, ठीक है। ये सात तक हमारा हो गया। आठवां देखिए, आठ को हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है, कि आठ से कोई संख्या विभक्त है कि नहीं है, ये हम कैसे पहचानेंगे, तो उसको पहचानने का एक फार्मूला होता है, तरीका होता है, ठीक है, वो कैसे, आठ से, उसमें क्या कीजिए, आठ से पहचानने के मतलब आठ से कोई संख्या विभक्त है कि नहीं, इसको पहचानने के लिए हम क्या करते, कोई संख्या ले लीजिए, ठीक है, कोई संख्या हमने ले लिया एक दो तीन चार पाँच छः ले लिया, ठीक है, ये हमारा संख्या, और ये हमको ये देखना है कि ये संख्या जो है आठ से विभक्त है कि नहीं है,
तो हमने क्या किया, इसके जो लास्ट के तीन डिजिट है ना, इकाई वाला अंक, दहाई वाला अंक और सैकड़ा वाला अंक, तीनों को ले लेंगे, तीनों को हमने उठा लिया यहाँ से, और इसको हम क्या करेंगे, आठ से डिवाइड करके देखेंगे, आठ से भाग दे के देखेंगे, आठ से क्या करेंगे, भाग दे के देखेंगे। तो दीजिए ये 40, 5 और 56, यानी कि आठ से तो हो रहा है भाई, पाँच कितना आया, 5 बजेगा और 7, यानी कि ये 8 से डिवाइड हो रहा है, 57 आया, यानी कि ये क्या है, संख्या 8 से विभक्त है, 8 से भाग हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे हम पहचानते हैं कि कोई संख्या 8 से विभक्त है कि नहीं है, डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, लास्ट के तीन डिजिट उठाइए, इकाई वाला, दहाई वाला, सैकड़ा वाला, और उसको 8 से भाग देकर देखिए, अगर वो होता है तो ठीक है, वो होगा, नहीं होता तो छोड़ दीजिए, नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर। अब 9 वाला देखिए, 9, अब अगर 9 को देखें तो अब 9 का क्या रूल है, क्या नियम है, इसका भी वही रूल है जो 3 वाला था, यानी कि सभी संख्या अगर योग 9 से विभक्त हो रहा है तो वो 9 से डिविजिबल होगा, अगर नहीं हो रहा तो नहीं होगा, यानी कि सभी संख्या को क्या करेंगे, सभी संख्या का योग करेंगे, योग करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, 9 से भाग देंगे। ठीक है, अगर वो 9 से भाग देने पर पूरा भाग हो रहा है तो वो 9 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब एक और देख लीजिए, 11 का क्या रूल है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, कई जगह यूज होता है 11 का। अगर 11 की देखें तो इसमें क्या रूल होता है, कैसे पहचानेंगे कि कोई संख्या 11 से विभक्त है या डिविजिबल है कि नहीं है? तो इसमें क्या होता है कि जो सम संख्या, सम प्लेस पर, सम स्थान पर जो संख्या है, कैसे देखिए, एग्जांपल लेते हैं, पहले हमने ले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 8 संख्या, 8 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 संख्या ना, ये क्या है, 1, 3, 5, 7, ये क्या है, एक विषम संख्या ना, विषम स्थान पर ना, ये संख्या विषम, 1, 3, 5, 7, ये क्या है, विषम संख्या, विषम स्थान पर ना संख्या, कौन कौन से हैं, 1, 3, 1, 3, 5 प्लस में 7, क्या ये विषम पोजिशन, यानी कि ऑड पोजिशन पर ये संख्या है। सम पे कितना है, सम पे देखिए, ये हमारा सम पे 1, 2, 3 और 4, अब इसको लिखिए, 2 प्लस में 4 प्लस में 6 प्लस में 8, यानी सम, ये सम और ये सम, ये भी सम, यानी कि इवन इवन, ये ऑड 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 ऑड, क्या है ये, 11 से कोई संख्या डिविजिबल है कि नहीं, इसको चेक करने का ये तरीका है कि जो सम स्थान पर जो संख्या है उसका योग, ठीक है, और जो ऑड स्थान पर जो संख्या है उसका योग, उनका अंतर निकाल लीजिए। अगर वो 0 या फिर 11 आए तो वो संख्या 11 से पूरा भाग होगा। क्लियर, यानी कि 11 से डिविजिबल होगा, तो ऐड कीजिए इसको, देखते हैं, 1, 3, 4, 4, 5, 9, 9, 7, 16, ठीक है, इधर कीजिए, 2, 4, 6, 6, 6, 12 और 12 और 8, 20, यानी कि 4 आया, इसका अंतर निकालना है, ये नहीं देखिए नेगेटिव आया, इसका अंतर निकालना, 4, तो 4 यहाँ पे क्या रूल है, 0 और 11 ही आना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा, 4 आया तो कोई रोल नहीं है, 4 गया आया तो गया, तो ये क्या होगा, ये डिविजिबल नहीं होगा 11 से। क्लियर यहाँ तक समझ में आया? तो हमने क्या पढ़ा आज, हमने पढ़ा सम, ऑड, इवन पढ़ा, और इवन नंबर क्या होता है, सम क्या है, विषम संख्या क्या होता है, अभाज्य, उसके बाद ये डिविजिबली फैक्टर पढ़ा हमने। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, आगे हम कल हम आगे पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खूब सारा शेयर कीजिए। धन्यवाद।